وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि ये सुला व्लॉग है। सुला व्लॉग में मैं देवर और जो मामू हैं, मैं थोड़ा सा किसी वजह पे नाराज़गी हो गई थी, तो आज जो है मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने इनकी सुलह करवा दी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हमारे घर मेहमान आए हुए थे। बच्चों ने जो है नीचे गद्दे बिछाए हुए थे और वो स्लाइड ले रहे थे, और बड़े जो है वो ऊपर बैठे हुए थे। जो बातचीत थी उनके दरमियान चल रही थी आपस में, और अल्लाह का शुक्र है जो है ना उनकी सुलह हो गई थी। मैंने खाना बनाना था तो मैं बच्चों को देखने आई थी यहाँ पर कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा फिर तसल्ली के साथ जो है ना वो मैं खाना बना लूँ। और अगर तो आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज मैंने जो है चिकन आलू का सालन बनाना था, तो उसके लिए मैंने जो है चिकन को जो है फ्राई किया नमक डालकर ऑयल के अंदर, और प्याज मैंने अलग से फ्राई कर लिया, और टमाटरों का भी मैंने पेस्ट बना लिया, और प्याज फ्राई करके इसका जो है बिरयानी इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया मशीन के अंदर। और ये दोनों चीज़ें जो है ना मैं जब ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। सालन आज जो है मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी, कल भतीजे की जो है वो दावत करूंगी, तो फिर ये कि यही सालन साथ एक डिश जो है ना इस सालन की भी रखूंगी, चिकन आलू की भी साथ ही रखूंगी। इसलिए जो है फिर मैं इसके अंदर जो थोड़ा आज क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा रखूंगी। आलू भी मैंने जो है धोकर इसके अंदर डाल दी और मसाला वगैरह भी सारा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, जब इसका ऑयल अलग होगा तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। ऑयल इसका अलग हो चुका था और भून लिया था मैंने इसको। अब इसमें जो है ना मैंने पानी डाल देना है, थोड़ा सा शोरबा इसका मैं रखूँगी। चिकन आलू का जो सालन था वो तैयार हो चुका था, और अब जो है मैंने साग बनाना था। अच्छा, जो अब्दुल इब्राहिम और महक जो है ना वो चॉकलेट्स लेकर आ गए थे, दुकान पर गए और चॉकलेट्स इतनी ज़्यादा लेकर आ गए थे, और फिर मुझे कह रहे थे कि मामा हमें ये कंटेनर में डाल दें। तो फिर जो है मैंने इनको कंटेनर दिया, और उसके अंदर इन्होंने ना जो है ना अपनी चॉकलेट्स वगैरह सारी रखी, और टॉफियाँ भी ले आए थे। और फिर मैंने इनसे ये भी कहा कि इतनी ज़्यादा क्यों ले के आ गए हो, पर ये कहते हैं मामा हम बस इकट्ठी ही ले के आ गए हैं। तो मैंने कहा नहीं, अच्छी होती, दांत भी इससे जो है ना आपके दर्द करना शुरू कर जाएंगे। कहते हैं कि इकट्ठी हम नहीं खाएंगे मामा, एक एक करके खाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने कहा जल्दी से ये अपनी लो चॉकलेट और इनको संभालो, क्योंकि अभी मैंने चटनी बनानी थी, साग बनाना था, सलाद बनाना था, ये सारा काम करना था, और ये अपना बीच में जो है ना वो काम लेकर आ गए थे। बहरहाल जी, फाइनली इनकी जो कंटेनर में चॉकलेट्स वगैरह सारी डाल गई थी और ये भी खुश हो गए थे। और फिर मैंने इनसे कहा कि ये आप जाके दूसरे रूम में रख दें, और मैंने फिर इनको चॉकलेट्स दी, और इन दोनों को जो है ना मैंने कहा आप अपनी चॉकलेट्स लें और बाहर जाएँ। और फिर इसके बाद जो है दूध बॉयल होने के लिए मैंने साथ ही रख दिया था। मैंने कहा ये ना खाना बनाने के चक्कर में जो दूध है वो फट जाए, सर्दियाँ हैं फटता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने साथ ही जो है ना वो दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। और एक तरफ जो है मैंने चाय रखी, तो चाय भी मैंने कहा चले खाना खाने से पहले चाय जो है थोड़ी सी मुझे तलब हो रही थी, तो मैंने जो है ना अपने लिए एक कप चाय बनाई यहाँ पर। और अब इब्राहिम आया था और वो मुझे कह रहा था कि मामा आप मुझे मोबाइल दें, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी है। अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं किस बने। तो गाइस ये चाय बनेंगे ये बन। तो गाइस हम आज बहुत ज़्यादा, गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सलाद मैंने काट दिया था, और जो महक ने ये वाला सलाद बनाया था इसको महक ही ने डेकोरेट किया था। बस सिंपल सा सलाद के जो है ना वो प्लेट्स बनाई थी, और साग भी जो था ना वो तैयार हो चुका था। अब इसके अंदर बस हरी मिर्चें वगैरह डालनी थी।
अच्छा जी, फाइनली सारा कुछ बन चुका था। अब जो है मैं महक को बुलाई थी, मैंने कहा महक जो है रोटियां आप इस तरह करो, हॉट पॉट में डाल दो। उसने फिर डाल दी थी, नान अलग रख दिए थे और रोटियां अलग रख दी थी। सलाद मैंने कहा ट्रे में रख देती हूँ, साथ साथ फिर मैंने महक से कहा आप जो है वो शीट भी जो है ना वो बिछा दें। चलो महक जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे जो है ना वो शीट के ऊपर बाहर रखती जा रही थी साथ साथ। आज महक ने भी बहुत मतलब समझे काम किया था और काफ़ी हेल्प मेरी की, मतलब सारे दस्तरखान सजाने में, दस्तरखान पे चीज़ें वगैरह रखने में इसने काफ़ी मेरी आज हेल्प की। और क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इब्राहिम और महक के, अब्दुर्रहमान के भी हो रहे हैं, तो बस फाइनल इनके जो है ना एग्ज़ाम्स हैं। तो बेचारी ट्यूशन जाती है, फिर स्कूल ट्यूशन, छुट्टी भी बीच में नहीं है, और फिर घर पर आज मेहमान भी आए थे तो साथ इसने मेरी हेल्प भी की ट्यूशन से वापस आकर। कोशिश किया करें कि नाराज़गियाँ जो है ना रिश्तों में ना पैदा हो, अगर किसी वजह से हो भी जाएं तो जल्द अज जल्द जितनी जल्द हो सके इन्हें ख़त्म किया जाए। तो आप किसी की अगर खुद करवा सकते हैं, सुलह करवा सकते हैं, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि लालच हो किसी से भी तभी जाकर सुलह करवाई जाए या कोई काम हो सुलह कराई जाए। अक्सर ऐसे ही होता है कि जब किसी को अपनी कोई गर्ज होती है दूसरों की सुलह तभी करवाते हैं। कभी कभी इंसान को बेगर्ज होकर भी दूसरों की सुलह करवा देनी चाहिए ताकि जो है ना रिश्ते मजबूत हों। मतलब अल्लाह और उसके रसूल को भी ये पसंद नहीं कि नाराज़गियाँ और रिश्ते तोड़ने वाला, तो इंसान बहुत ही बुरा लगता है अल्लाह और उसके रसूल को। तो अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सबको मतलब जुड़ कर रहने की तौफीक अता फरमाए। ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।